बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हकायत शेख सादी की किताब से माखूज है। एक बूढ़ा आदमी चीखता चिल्लाता तबीब के पास आया। उसके चीखने चिल्लाने से ऐसा लगता था जैसे ये अभी मर जाएगा। कहने लगा, हकीम साहेब, मेरी नब्ज देखो, मेरे पांव हरकत नहीं कर रहे और जिस्म भी है जैसे बेजान हुआ जाता है, एक कदम भी नहीं चला जा सकता। यानी मुर्दा जिस्म ऐसा सुन और बेहिस हो चुका है जैसे कोई शख्स दलदल में फंस गया हो। आखिर ये कैसा मर्ज मुझको लाहक हो गया है। ये सुनकर तबीब ने कहा, तू मरने की तैयारी कर, क्योंकि तेरी बीमारी बुढ़ापा है जो ला इलाज मर्ज है। बुढ़ापे का इलाज मौत के सिवा कुछ नहीं, इसलिए बूढ़े आदमी तू हर वक्त मौत के लिए तैयार रह और गुजरे हुए दिनों के गुनाहों के लिए माफी मांग। ये चंद लम्हात तेरे लिए गनीमत हैं। तो दोस्तों, इस हकायत से हमें ये दर्द से हयात मिलता है कि बुढ़ापे का इलाज मौत के सिवा नहीं है। मौत बलाकर आके ही रहेगी, उसकी हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। इरफान फानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।